भजन संहिता कौन सा पढ़े थे अभी? 146। उसमें कुछ मिला है? क्या मिला है हमें? उसके अंदर प्रभु का हृदय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हृदय। प्रभु का हृदय दिखाई देता है। जब हम 7 वचन को पढ़ते हैं, 6 वचन को पढ़िए कोई एक जन। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है। हाँ। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा, सदा के लिए। वो अटल है, वो हटने वाला नहीं। आमीन। क्योंकि उसी ने स्वर्ग को बनाया, उसी ने पृथ्वी को बनाया, उसी ने सारी सृष्टि को बनाया। आमीन। और सारे कामों को वो क्या करता है? आपके जीवन में जो उसने वादा किया है वो पूरा करता है। बाइबल बताती है, शुरुआत से अगर हम बाइबल को देखते हैं तो वो अपने दासों के साथ वाचा जो बना है वो पूरा किया है। आमीन। बोलो आपके साथ भी होने वाला है। अब देखो उसके प्रेम को देखिए, 7 वचन पढ़िए। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है। बोलो बोले अपने पड़ोसी के, पीसे हुओं का क्या चीज? न्याय चुकाता है। पीसा हुआ कैसा होता है? एक टूटा हुआ होता है ना, और एक पीसा हुआ होता है। लोग कई बार अपने जीवन में बोलते हैं, भैया क्या बताऊं, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, मैं बिल्कुल पीस गया हूँ, है ना। पर टूटे हुए को लोग जोड़ सकते हैं, पर पीसे हुए को जोड़ सकता है क्या? पर आपका परमेश्वर कर सकता है। से पढ़िए इसको ध्यान से, इस वचन को ध्यान से सुनना। अगर आप पीसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, मैं आपको बताऊं परमेश्वर आपको संपूर्ण करने की शक्ति है। जी, वह पीसे हुआ का न्याय चुकाता है। वह पीसे हुआ का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। जो भूखे हैं उनको क्या करता है? रोटी देता है। जोर से बोलो, रोटी देता है। रोटी देता है। अच्छा, कभी आपने अपने जीवन में कभी ऐसा दिन देखा है कि आपके घर में कभी किसी दिन रोटी ही नहीं मिली, है ही नहीं कुछ? कितने लोग ने महसूस किया ऐसा जीवन? अब कैसा है अभी? जितने लोग ये दिन देखा, मैं आपको बताऊं, आप हजारों लोगों को खिलाने वाले बनो। कई लोगों के, कई लोग आपके द्वारा तृप्त होंगे। आमीन। हालेलुया। मैं जानता हूं, जब सूखी रोटी सुअर को, मेरे गांव में जब लोग सुअर को सूखी रोटी होती ना, बासी रोटी, जब सुअर को ले जाकर देने के लिए ले जाते थे ना, तो हम लोग सोचते थे काश ये रोटी हमें मिल जाती। ऐसी स्थितियों से, ऐसे हालातों से परमेश्वर ऐसे सफर में हमें ले गया है। पर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे घर में जाओगे तो बहुत गल्ले रखा हुआ है। हालेलुया। अभी इन्होंने कुछ भेज दिया, अभी फिर गाड़ी जाने वाली है, गांव लोग गांव से लेकर आते हैं, हम गांव भेजते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आपको देने वाला बनाएगा। आमीन। आपको भूखा नहीं रखेगा। पता है ऐसी स्थिति में क्यों लेकर आता है? ताकि आप दूसरे का दर्द को समझ सको, जान सको। मुझे नहीं पता कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूंगा और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, पर ऐसी स्थितियों से ले गया ताकि मैं लोगों के दर्द को समझ सकूं। कभी मेरे रहता तो पता है, मैं बताऊं, पूरा महीना महीना साल भर एक ही शर्ट को धोता था और उसी को रोज ड्यूटी पहन के जाता था। पर मेरे कपड़े नहीं थे, गंदे कई बार हो जाते थे। मेरे पास कोई भाई बहन आता, मैं आपको बताऊं, कितना भी आपके पैर मिट्टी क्यों नहीं लगी रहे, आपके कपड़े में गंदा क्यों ना हो, परमेश्वर ने मुझे उस दिन दिखाया है, वो एहसास मैंने किया है कि आपको मैं अपने गले लगा सकता हूँ, आपके माथ को मैं चूम सकता हूँ, आपके पैरों को मैं धो सकता हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपको ऐसी स्थिति में किया है तो ध्यान रखना कि आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। ऐसे हालात अगर आपने देखा है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को उपद्रित करने जा रहे हैं, कुछ आपको ऊंचाई की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। आमीन। वो पीसे हुए का क्या करता है? पीसे हुए का क्या है? फिर से पढ़िए। 7।
वह पीसे हुए का न्याय चुकाता है हाँ। और भूखों को रोटी देता है, भूखों को रोटी देता है और यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा क्या करता है? बंदियों को छुड़ाता है। कौन से बंदियों को? कई प्रकार के बंदी है भाई, शैतान से जकड़े हुए और विपत्ति, तमाम प्रकार की समस्याओं से, दुर्बलताओं से जकड़े हुए लोग, श्राप से। मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर तंत्र मंत्र के काम होते थे। मेरी आजी बहुत बड़ी तांत्रिक थी, बहुत बड़ी तांत्रिक थी, गांव में मशहूर थी। 2010-20 गांव में लोग बहुत दूर दूर से आते थे। परमेश्वर ने उसमें से हमें निकाला है, ऐसे बंधन से निकाला है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर, कोई भी अगर आपके ऊपर बंधन है, पीढ़ी पीढ़ी से श्राप है, पीढ़ी पीढ़ी से दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, परमेश्वर उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। कई बार लोगों को मजाक लगता है, ये क्या हो रहा है। मैंने जितने लोगों को पवित्र आत्मा छुआ, मैंने एक ही बात बोला, इसके जीवन में कुछ अद्भुत हो रहा है। अभी आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम बहन के लिए क्या हुआ? जब इनको पवित्र आत्मा छुआ तो लोग बोल रहे हैं इनको हाथ लगाओ। मैंने कहा मेरा हाथ लगाने की जरूरत नहीं, यीशु हाथ लगा दिया है। कुछ अद्भुत हो रहा है इनके जीवन में। अभी क्या आया, गवाही आया कि सब कुछ क्या हो रहा है, अच्छा हो गया है। अमीन। प्रभु देख रहा है आपके परिश्रम को, प्रभु आपको देख रहा है कि आप कहां पीसे हो, कहां टूटे हो, कहां बिखरे हो। परमेश्वर एक एक स्थान से आपको ऊंचा उठाकर खड़ा कर। अमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लोग क्या कहते हैं उसको भी ध्यान देना। प्रभु हमारा हमको किस दृष्टि से देखता है, प्रभु हमसे कैसे हमसे प्यार करता है, उसको देखना। अमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये लक्षण क्या है? ये लक्षण सिर्फ क्या है? प्रेम का लक्षण है। बोलो प्रेम का लक्षण है। परमेश्वर अपने पड़ोसी से बोलो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। नजर मिला के बोलो, इधर देखो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन जी। और आगे, यहोवा अंधों को आंखें देता है हाँ, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा अंधे को क्या करता है? आंखें देता और झुके हुओं क्या करता है? अगर पता है संसार में अगर कोई गिर रहा है ना, तो उसको पता क्या करता है, एक आकला दौर मार देते है ना। पर प्रभु आपको क्या करेगा, आपको उठा कर खड़ा करेगा। कितने लोग को याद है कि जब एक 18 साल से स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे कुबरी होकर आई और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, बोला हे स्त्री तू अपने दुख से छूट गई, उसके पीठ पे हाथ रखा और वो सीधा खड़ी हो गई। पर लोग बाहर कुड़कुड़ाने लगे, ये कैसे, आज का दिन चंगाई नहीं हो सकती, सप्त का दिन है, किसी और दिन चंगाई करे। कितने लोग पता क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, पर यीशु सीधा खड़ा करता है आपको, सम्मान से बढ़ाता है। लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, बोलो लोग क्या कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मुझे यीशु कहता, मैं वो हूँ। आमीन। ध्यान रखना, आपको कोई भी उठाने वाला नहीं है, सब टांग खींचने वाला है, पर एक एक है जो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो एक है जो आपसे प्यार करता है। कोई तो है जो मेरा दीवाना है, वो वाला दीवाना नहीं। कोई तो है मैं उसकी कमजोरी हूँ, बोलो कोई तो है मैं उसकी कमजोरी हूँ। कौन है वो? वो इतना प्यार करता है कि अगर हमें कोई सताता है ना, कोई हमें दोष लगाता है ना, पता है वो रोने लगता है। वो हमें दुखी नहीं देख सकता, हमें कष्ट में नहीं देख सकता, हमें परेशानी में नहीं देख सकता। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक कोठी में रहने वाला लड़का था, बहुत बड़ा कार में चलने वाला बिजनेस था, उसके पास बहुत कुछ था। पता है एक गरीब झोपड़ी में एक रहने वाली लड़की थी। हालेलुया, कहां पे? और उन दोनों को क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है।
और अपने बाप से कहता है, पिताजी मैं अपने जीवन साथी को चुन लिया हूँ, मैं उसी से प्यार करूंगा हूँ, उसी से शादी करूंगा, उसी के साथ घर बसाऊंगा। तो सभी लोग बोले ये कैसे हो सकता है। पर बाप बहुत होशियार था। बाप क्या था? बाप बोला, बेटा वो कैसे हैं मैं देखा है, पर मैं चाहता हूं कि मैं तेरी शादी जो है ना अपने लेवल के लोगों से करूं। हालेलुया। कैसे करूं? जोर से बोलो, अपने लेवल के, अपने लेवल के। एक काम करो, जाओ उसके घर पे। पिता से, पिता ने बोला जाओ उसके घर पे, लोगों को भेजा। एक काम करो, उनको उठाकर महल के अंदर खड़ा करो, जो गरीब है उनके मम्मी पापा, वो लड़की जो गरीब है, एक कोठी के अंदर उनको रखो। उनको कोठी दे दिया खरीद के, और उनको कोठी के अंदर रखा। उनको कार दे दिया कि कार से तुम चलोगे। उनको कपड़े चेंज करवा दिया। उनको हिंदी में सब, जैसे अपने गांव के भाषा में करे कहां गए रहते हैं, है ना, ऐसा भाषा बोलते हैं ना। उनको सभ्यता सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया, है ना। उनके एक लेवल को कर दिया। पिता क्या था? मजदूर, मजबूर था, पता है, क्योंकि पिता अपने बेटे से प्यार करता था और बेटा उस लड़की से प्यार करता था। बोलो, पिता अपने बेटे से प्यार करता, बेटा उस लड़की से प्यार करता। लड़की कमजोरी थी लड़के का, लड़का कमजोरी था अपने पिता का। किसका कमजोर था? कौन? पिता अपने बेटे को खो नहीं सकता, और लड़का अपने हीरोइन को खो नहीं सकता, प्यार करता है ना उससे। पिता भी क्या किया, उसको एक लेवल का कर दिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो लड़की कौन है? वो लड़की आप है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर हम गंदगी और श्राप और दलदल में, श्राप बीड़ी सिगरेट में, विचार चोरी में जी रहे थे, पर यीशु ने हमें अपने लेवल का बनाया, अपने लहू से धोकर पाक और साफ किया, हमको आपको अपने समानता में बनाया। हालेलुया। यूहन्ना किताब में क्या लिखा हुआ है? जैसे मैं हूं वैसे वो भी हो जाए, है ना। जैसे पिता है वैसे उनके बच्चे भी हो जाए। पिता अपने बेटे से प्यार करता है, और बेटा अपनी कलीसिया से प्यार करता है। हालेलुया। हम आप इसके बेटा और बेटी हैं। दूल्हा, मैं बताऊं, दूल्हा बस आने वाला है, वो इसीलिए जो कीमत चुकाया है ना उसने, जो उसने खरीदा है हमको, आपको जो उसने कीमत चुकाया है, इसीलिए ताकि वो हमको एक अच्छा हमारे वस्त्र को पहनाकर, बाइबल में लिखा धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। प्रभु के वस्त्र को हमको आपको पहनना है, प्रभु के वस्त्र को। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमको आपको उस वस्त्र को पहनना है, जब यीशु मसीह आए हमें उसी वस्त्र में देखे और क्या करे, वो हमें लेके जाए। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप तैयार हैं? प्रभु आपसे प्यार करता। अगला वचन को पढ़िएगा। यहोवा अंधों को आंखें देता, यहोवा अंधे को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, यहोवा परदेशियों का क्या करता है? रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। आमीन। बोलो, जितने भी दुष्ट हैं जो मेरे विरोध में खड़े हैं, परमेश्वर उनके मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, वो मेरे ऊपर सफल नहीं होंगे। वो आप अपने पड़ोसी को देखो, बोलो भाई धर्मी बन जा, क्योंकि धर्मी से यीशु प्यार करता है। बोलो बोलो, हिला के बोलो, भाई धर्मी बन जाओ, कहें बुरे काम छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, लड़ाई करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो। हमारे तरफ के लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे हैं। अगर
मसीह वाले ज्यादा कुछ अच्छे हैं, है ना? क्या कहेंगे बहनी? जान था हम बुराई दिखे हो करीब नहीं, हलनवा का बिटिया दूसरे के संगे चली गई है, प्रार्थना करेंगे तो कर एक वर्ष दे। जान था हम बुराई करीब नहीं के होगा, पर रिक्वेस्ट देते ही प्रार्थना की बात देने तो उसे बताया ना क्या हो जाएगा, समझ में आया? मसीह लोग ऐसे ही बोलता है, पेट में पानी बसते ही नहीं ना, तो काम बतावत नहीं रहे, रिक्वेस्ट देते ही प्रार्थना करियो। हालेलुया, ये बहुत बड़ा प्यार करत है, खाती फैलावत यहाँ। प्यार क्या करता है? प्यार क्या करता है? प्यार अनेक पापों को क्या करता है? मार देता है। हम मसीह में ही ना ये खाते हम ज्यादा क्योंकि बुराई नहीं गए, पर तो कर रिक्वेस्ट देते ही प्रार्थना करे बस। हम वो का फलनीय कहुआ देखे रहे, प्रार्थना करो कि जीवन बदल जाए, समझता? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर ऐसा जीवन है तो प्रभु से तौबा करो, प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु मुझे माफ करो, प्रभु मुझे क्षमा करो। हालेलुया, प्रभु ने कहा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज अगर आज मेरे प्रिय हमको आपको श्री प्रभु के उस प्रेम को समझ आ जाए, प्रभु ईश्वर के प्रेम को समझ में आ जाए, तो शायद हम सब का जीवन पता है आनंद और खुशियों से भर जाए। आपको बताऊं यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर उन लोगों को अपने गले लगा कर उनको चूमना, उनको प्यार करना ही, उनको दिल से माफ करना ही। मैं आपको बताऊं आपके ऊपर एक भारी अभिषेक उतर जाएगा, सामर्थ्य उतर जाएगी। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक स्त्री थी, बाइबल बताती है कि एक स्त्री थी और कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, वे विचार करते हुए काफी लोग आए और काफी लोग पता है प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया और बीच में बोलने लगे कि प्रभु ये वे विचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की पुस्तक में लिखा हुआ है पुराने नियम में कि इसको पत्थरवाह करके मार दिया जाए, अब बता तू क्या कहता है। यीशु मसीह को क्या किया, धर्म संकट में डाल दिया कि अब बता तू क्या कहता है। तो यीशु मसीह ने उनको बोला, अपने पड़ोसी को देखो, अपने पड़ोसी को देखो। यीशु मसीह ने बोला उनको, क्या बोला होगा? तुम बहुत धर्मी हो, बोलो अपने पड़ोसी को, तुम बहुत पवित्र हो। फिर नीचे लिखने लगा, तुम इस दिन ये पाप किए थे, तुम इस दिन ऐसे काम किए थे, तुम वैसे काम किए थे। जितने धर्मी लोग थे ना, सब पत्थर नीचे फेंक कर भाग गए, समझ में? जितने धर्मी लोग थे क्या किए, इसका मतलब है कि सब धर्मी थे ना, है ना? कोई धर्मी नहीं था, सब पापी थे। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, वो लोग जो थे, जो 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 जो, जो स्त्री थी, क्या यीशु मसीह उसको पसंद करता था कि नहीं? यीशु मसीह पसंद करता रहा होगा कि नहीं? कोई आए इधर मेरे पास आए, कोई एक जन जल्दी से, मान लो ये स्त्री है, मानना है नहीं लड़का है, क्या नाम है आपका? शिवम। अच्छा, और क्या है कि ये लड़की व्यभिचार में पकड़ी गई, 10-20-50 लोग खड़ा हुआ पत्थर से लेकर मारने के लिए। यीशु मसीह से बोला गया, यीशु मसीह ये लड़की पाप करती व्यभिचार करती पकड़ी गई है, अब सब कोई पत्थर लिया हुआ है, बताओ यीशु मसीह इसके चरित्र को पसंद करेगा? जोर से बोलो भाई, पसंद करेगा? इसके स्वभाव को पसंद करेगा? इसके काम को पसंद करेगा? नहीं। फिर इसको बचा क्यों रहा है? प्यार करता है यीशु। छीन लिया क्या?
यीशु मसीह क्या करता है? अपने पड़ोसी को देखो, मैं आपको पसंद नहीं करता पर मैं आपसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह उसके जीवन को, उसके व्यभिचार के जीवन को, जो दूसरे पुरुष के साथ वो व्यभिचार करते थे, उसको पसंद नहीं करता था, पर यीशु मसीह उसे प्यार करता था। उड़ाऊ पुत्र का कितने लोग ने वचन को सुना पढ़ा है? उसमें जो उसका बेटा था दारू पीने वाला था, अलग अलग लड़कियों के साथ व्यभिचार करने वाला था, उसके पिता को पसंद था, गंदी गंदी पिक्चर देखने वाला था, उसके पिता को वो लड़का पसंद नहीं था। और बाइबल बताती है कि उसके पिता जब वो अपने घर को छोड़कर चला गया, प्रतिदिन अंदर से दुखी होकर इंतजार करता था, कब मेरा बेटा आएगा। पता क्यों? क्योंकि वो प्यार करता था। क्या करता था? प्यार। हालेलुया। कुछ लोग बोलो बोलो, कुछ लोग मेरे जीवन से चले गए हैं मुझे बुरा कह के, पर मेरे जैसा प्रेम करने वाला उनको कोई नहीं मिला। पिता बोल सकता था, मेरे बेटे तू मुझे ठुकरा कर चला तो गया, धन दौलत को देखकर, ऐसो आराम को देखकर, वो अंधकार का जीवन देखकर, पर मेरे जैसा प्यार करने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। बोलो ठुकराओगे, ठुकराए जाओगे, लौट के फिर यही आओगे। उस पिता का जब क्या हुआ, वो पिता का बेटा जब चला गया, पता है जितने लोग उससे प्यार करते थे, जितने लोग उसके पैसे से प्यार करते, उसके सूरत से प्यार करते थे, सब क्या किए, एक दिन सब ठुकरा दिए। पर पिता क्या कर रहा था, थोड़ा वचन में देखेंगे ना, बैठ जा बेटा। बीस पद से पढ़िए, लुका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह कब चला गया, ध्यान रखना। एक दिन क्या होता, अचानक अपने घर में वो सोचता है, मैं वो आशा लगाया था, वो उम्मीद लगाया था कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ, मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसके मुकाबले कोई जीवन नहीं है, यही सब कुछ उसकी चांद, उसको क्या बोलते हैं, चकाचौन है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, दुनिया की चकाचौन, तमाम कलर कलर की लड़कियां, कलर कलर के लोग, गाड़ियां, पैसे कौड़ी, सब कुछ था उसके पास, और उसी में वो डूबा हुआ था, नशे कर रहा था, और उसको लगा ये सबसे बढ़िया जीवन है, मैं मम्मी डांटती रहती, पापा डांटता रहता है, सब मुझे मेरे गलती को दिखाते रहता है, मैं इसे दूर चला जाऊंगा। भाई बताते हैं कि अपने पिता से लड़ता है, झगड़ता है, बातें करता है, और आधा हक मांगता है, और आधा संपत्ति लेकर वो क्या करता, दूर देश चला जाता है। क्या होता है, बोलो कहीं भी चले जाओ कि पर प्यार मेरे जैसा कहीं नहीं पाओगे। बोलो पड़ोसी को, पत्नी अपने पति से बोल देना, कहीं भी जाओगे पर मेरे जैसा प्यार नहीं पाओगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो मेरे जैसा प्यार नहीं पाओगे। क्या हुआ, जब ये चला गया, इससे जो प्रेम करने वाले थे वो किससे प्यार कर रहे थे, इसके पास शराब पीने को मिलती थी, इसके साथ जुआ खेलने को मिलता था, इसके शरीर के साथ व्यवहार करते थे लोग, है ना, मौज मस्ती करते थे इसके साथ, और धीरे धीरे वो जितने कलर करने की लड़कियां थी सब क्या हुई, छोड़कर चली गई, जितने दोस्त थे, जब इसकी कार बिक गई, जब इसका पैसा खत्म हो गया, तो क्या हो गया, सब चले गए, सब के सब गायब हो गए। लास्ट में यहां तक कि इसके पास एक निवाला नहीं था रोटी का अपने पेट को भरने के लिए, तो ये नौकरी मांगने के लिए जाता है। बाइबल बताती है कि इसको सुअर चराने के लिए काम मिलता है। क्या मिलता है, सुअर चराने के लिए काम मिलता है। उसके बाद जब वो एक उसने बोला मैं खाऊंगा क्या, तो मालिक ने बोला कि जो सुअर खाती है वही तू भी खाना, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ, यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पढ़ लेना आप।
ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जो सुअर खाते थे वही क्या किया, खाना शुरू कर दिया। हालेलुया। अचानक उसको याद आता है कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, उसके घर में इतना खाना है कि उसके नौकर मेज पर बरहों पर करके खाना, मतलब अच्छे से अच्छी खाना खाते हैं। वो कहता है मैं अब अपने उसी पिता के पास लौट जाऊंगा, मैं अगर वो मुझे स्वीकार करेंगे, ये करें ना करें, उनके पैरों को पकड़ूंगा और कहूंगा कि मेरे पापा मुझे अपने दास के रूप में, अपने नौकर के रूप में रखो, कम से कम पेट भर खाना तो मिलेगा, ये सुअर वाला खाना तो नहीं, कम से कम पेट भर खाना मिलेगा। बाइल बताती है कि जब वो चला गया ना तो उसका पिता पता क्या कर रहा था, उसका पिता रो रहा था, उसका पिता तड़प रहा था। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से उंगली पकड़ के चलाया है, उसको चूमा है, अनीश उसको उंगली पकड़ के चलाया है, उसको प्यार किया है, लाड किया, उसको घुमाया चारों तरफ। वो हमेशा उसको क्या कर रहा था, दुख दे रहा था। रोज शाम को एक चौराहे पर जहां से वो गया था, उस रास्ते पर रोज अपने बेटे को देख रहा है, कब मेरा बेटा आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, अरे मैं अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। आने जाने वाले लोग बोलते होंगे ना यहाँ क्या कर रहे हो, पर बाप अंदर से तड़प रहा था, बोल रहा था कहाँ कब आएगा मेरा बेटा। बाइबल बताती है कि प्रत्येक दिन उसका बाप निहारता रहा, और एक दिन अचानक जब ये वापसी आता है, कुछ दूर पर देखता है, 20 पद से पढ़िए, कुछ दूर पर से जब ये वापसी आता है तो तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। जब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर जाने लगा, वो अभी दूर ही था कि जब वो अपना उसका बेटा दूर था, उसके पिता ने उसे देखकर, उसके पिता ने अपने बेटे को देखकर तरस खाया। क्या किया? तरस खाया। जोर से बोलो कि क्या किया? तरस खाया। मैं आपको बताऊं, आप जिस स्थिति में हो, जिस हालात में हो, जिस संकट में हो, मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर आपके ऊपर जो तरस खाया है उसमें आपको रहने नहीं देगा, उस स्थिति में रहने नहीं देगा आपको। जब तरस इंसान खाता है ना, जब हृदय से जो प्रेम है, जब उसका उभर कर आपके सामने आएगा ना, तो आपका रोते हुए चेहरे को, बस सूरत को सूरत बनाएगा, रोते हुए चेहरे को हंसता हुआ चेहरा बना देगा। आमीन। भाई बताते हैं कि उसका पिता क्या किया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर पिता ने अपने बेटे को क्या किया, गले लगाया और बहुत चूमा। क्या किया? जोर से बोलो, बहुत चूमा, बहुत चूमा। हालेलुया। अपने बच्चे को कैसे चूमते आप? महसूस करो कि उसका बेटा सब कुछ ठुकरा के चला गया था और वो तड़प रहा था। आप याद करो उस दिन को, जिस दिन आपके मम्मी पापा आपके उंगली पकड़ के चलाए और आपको सब कुछ कराए और आपको 10 बार 20 बार वो चूमते रहते थे। सोचो कि जिस प्रकार से मिला होगा ना, एकदम पुलिस उसको पकड़ कर पूरा उसका सर मुंह हाथ नाक कान सब चूमा होगा उसको। हालेलुया। बोलो चुम्मन आपके जीवन को बदल देगा। जो पिता का चुम्मन था ना, उसके आंसू को बढ़ा दिया था, उसके गुरूर को मिटा दिया था। और पिता का जो चुम्मन था ना, उस जो लगाना था उसको गले से ना, सब कुछ को हिला दिया था। समर्पण कर दिया अपने पिता को कि जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं आज चाह रहा हूं कि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, मैं आज चाह रहा हूं कि मेरे पापा मुझसे प्यार करता है। मैं तो सोचा नौकर बनूंगा, पर ये चूम रहा है, इसका मतलब क्या है? आप बताओ, आप निर्णय लो अपने जीवन में कि आज मैं बुराई को छोड़कर यीशु के पास जा रहा हूं, नशे को छोड़कर यीशु के पास जा रहा हूं, पाप का जीवन छोड़कर मैं यीशु के पास जा रहा हूं। मैं आपको बताऊं, जिस समय आप निर्णय लोगे, परमेश्वर आपके सामने खड़ा होगा, तरस भरा उसका हृदय और आपको चूमने के लिए। हालेलुया। आपका हजार डांट नहीं बदलेगी, पर एक चुम्मा बदल देगा आपके बच्चे का जीवन।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे बढ़िए। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे पिता, उसको एहसास हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि मैंने कुछ तो खो दिया है, कुछ तो मेरा लूट गया है, कुछ तो मेरा सब कुछ उजड़ चुका है। पर आज वो अपने आप को, अपने पापों को क्या कर रहा, अपने पिता के सामने स्वीकार कर रहा है। इधर आओ बेटा, इधर आओ, तुम बड़े हो, थोड़ा चलो। अब मान लो ये मैं एक पिता हूँ और ये बच्चा है। पढ़िए दोबारा से। पुत्र ने पिता से कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने क्या किया है? पाप किया है। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो कह रहा है कि मैं अब इस योग नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। पिता वो क्या बोल रहा है, क्या वो कह रहा है, उसको उसका जवाब का मतलब नहीं जानता, उसको सुनना पसंद भी नहीं है। पर ये अपने मन को बदला है, इसलिए सब कुछ निछावर करूंगा। इसलिए अब ये खो गया था, अब मिल गया है, अब ये मर गया था, अब ये जी गया है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये ही आपको करने की जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहां पर हमें बताना चाहता है कि जब वो आगे जब कहानी होती है, जब आगे जो कहानी होती है वो बड़ा और भी खतरनाक है। हालेलुया। जो पिता है वो क्या कर रहा है, प्यार को उसके ऊपर उड़ेल रहा है, प्यार उसके ऊपर निछावर कर रहा है। ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान से सुनना, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बड़ा बेटा एंट्री करता है उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, नफरत पैदा होता है। ये कैसे हो सकता है, इसने तो आधी संपत्ति ले जा चुका है, ये आधे का हिस्सेदार बन चुका है, अब ये मेरे में कैसे आ रहा है। ये जो शब्द है, ये जो कड़वाहट है, घर को बर्बाद कर देता है। समझ पा रहे हैं? ये शब्द अगर उस उड़ाऊ पुत्र को, उस छोटे बेटे को पता चलता तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर पिता क्या करता है, उसको भी ढांकता है। नहीं, ऐसा मत बोल, सदा तो मेरे साथ है, सब कुछ तेरा ही है। आज इस वचन के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके लिए बह रहा है, वो आपके लिए बह रहा है। वो यहां पर दिखाना चाहता है, एक तरफ से क्रोध प्रकट हो रहा है और एक तरफ से क्या कर रहा है, वो जो उड़ाऊ पुत्र है उसका जीवन किससे बनेगा, आपको डिसाइड करना है किससे बनेगा। एक तरफ पिता खड़ा है, एक तरफ बेटा वो खड़ा है जो नफरत कर रहा है। किससे उसका जीवन परिवर्तन होगा, किससे उसका जीवन आशीषित होगा? जोर से बोलो। आपको एक पिता का हृदय रखना, बोलो मुझे एक पिता का हृदय रखना। अगर आप उस प्रेम को अगर आपने कर दिया, पिता क्या चाह रहा है, मेरा बेटा अच्छा पहने, मेरा बेटा अच्छा खाए, मेरा बेटा अच्छा दिखाई दे, मेरा बेटा सुंदर दिखाई दे, मेरा बेटा राज करे, और पर दूसरा क्या रहा है, नहीं इसको निकाल कर बाहर कर दिया जाए। आप पिता का पच पकड़ो, अगर उसका कॉलर सही नहीं है तो पता क्या करो, उसका कॉलर सही कर दोगे ना तो पिता का हृदय खुश हो जाएगा।
अगर उसका जूता का फीती नहीं बनी है तो उसका जूते का फीती बांधो, पिता खुश हो जाएगा, है ना। अगर आप चुगली, बुराई, उसकी कुड़ना, उसके बारे में कुड़कुड़ाना, अरे ये गंदी गंदी के साथ गया, अरे ये दारू पीता था, अरे ये छोड़कर चला गया था, मैं आपको बताऊं वो जीवन नहीं पाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर हमारी बुराइयों का वर्णन किया जाए तो हम सब कोई भी स्वर्ग जाने लायक नहीं, सब नरक जाएंगे। पर खुदा आपके पाप को मिटा दिया है, आपके पाप को मिटा दिया है, आपको अपने गले लगाया है, आपको आपके माथों को चूमता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मुस्कुरा सकते हैं क्या? हालेलुया, हंस सकते हैं क्या? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यहाँ पर और कुछ बताना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम जब दूसरा मोड़ देखते हैं, आज पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, जीसस आपका धन्यवाद। यहाँ पर जो पिता ने जो अपने प्रेम को किया, जो प्रेम को निभाया, आज वो परमेश्वर, वो पिता आज हमारे और आपके जीवन से उस प्रेम को क्या करता है, कह रहा है कि वो प्रेम आपके अंदर से लोगों के लिए बहना शुरू होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर आपके विरोध में हजार आवाज उठेगी तो ध्यान रखना आपका पिता दुखी होगा। अगर आप अपने उस भाई के बारे में कुड़कुड़ाओगे, अगर उस भाई के बारे में उसकी गिनाओगे, पिता दुखी होगा। पुत्र क्या कर रहा है, पिता क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। आमीन, सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर पिता ने इसे क्षमा कर दिया है, पिता ने इसे गले लगा दिया है, दूसरा कोई एक जना है, कोई भी एक जना हो, अच्छा इधर इधर, समझना है आपको, ठीक है। ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, ये अंगीकार कर लिया है, पिता ने इसको चूम लिया है, छाती से लगा लिया है, गले लगा लिया है, इसको माफ कर दिया है। अगर ये इसके ऊपर दोष लगाएगा तो पिता क्या करेगा, क्या करेगा? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को देखो, बोलो सुनो, मेरी मजबूरी हो गई, मैं आपको पसंद तो नहीं करता। आप बोलो, मैं आपको पसंद तो नहीं करता, पर पिता आपसे प्यार करता है ना, इसलिए मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं आपसे प्यार करूंगा। पसंद तो नहीं करता आपको, क्योंकि आप बड़े गंदे काम करते हो। क्या क्या करते हो बता दो पड़ोसी को। हालेलुया, बोलो आज आज मैं माफ कर दूंगा। हालेलुया, पिता क्या करेगा, पिता को खुश देखना है, नाराज देखना है। चाबी कहाँ है, चाबी किसके पास है, बोलो पिता के पास है। चाबी किसके पास है, पिता को खुश करना है या नाराज करना है। अपने पड़ोसी से बोलो प्यार करो, अपने बगल वाले को बोलो अपने पड़ोसी से खूब प्यार करो, दिनों रात प्यार करो। कौन सा प्यार, प्रभु यीशु मसीह वाला, माफ करने वाला, क्षमा करने वाला। आमीन, अगर अगर ये इससे खूब प्यार करेंगे तो पता क्या होगा, क्या होगा, पिता भी इनसे प्यार करेगा। जो मेरे पुत्र से प्यार करता है वो अभी पिता क्या करेगा, इन्हें भी ब्लेस करेगा, इन्हें भी आशीषित करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
आज ये चीजें देखना है। मैं आपको बताऊं, शैतान नहीं चाहता कि ये दोनों एक हो जाए, ये दोनों को एक करना नहीं चाहता। इनके अंदर अगर ये एक हो गए, अगर ये एक हो गए तो पता क्या होगा, इनके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग आएगी, बड़ा अभिषेक आएगा, बड़ा सामर्थ आएगा, क्योंकि इनका फोकस, इनका जो तो क्या नाम है, विजन है, वो एक होगा। आमीन। आत्माओं को बचाना, राज्य को, परमेश्वर के राज्य को तैयार करना, परमेश्वर के राज्य में सेवा करना। आमीन। अगर ये एक रहेंगे तो पिता इनसे खुश रहेगा, अगर ये अलग हो गए, नफरत कर लिए दोनों, तो पिता दुखी होगा। आप क्या करना चाहते हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह माफ करना चाहता था, पर भाई सब लोग क्या करना चाहते थे? यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ये पापी है, इसको क्षमा तो कर दिया मैंने, पर यीशु मसीह नहीं चाहता था कि तू भी व्यभिचारी है। यीशु मसीह तुम्हारा जमीन पे नाम लिखना नहीं चाह रहा था, पर यीशु मसीह को मजबूर किया गया कि नाम लिखना पड़ा यीशु मसीह। समझ पा रहे हो भाई? बताती, दोष लगाओगे तो जी। यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं ये लोगों को जमीन पर लिखना चाहते थे क्या? नहीं। पर क्यों लिखा यीशु मसीह ने? वो स्त्री के ऊपर क्या कर रहे थे? बोलो, हम आपसे क्षमा करेंगे। आमीन। अगर आप क्षमा करोगे ना, मैं आपको बताऊं, स्वर्गीय आशीष खुलना शुरू हो जाएगा, ब्लेसिंग शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। कभी मैं आपको बताऊं, जिसे आप पसंद नहीं करते ना, उसके थाली में खाना जिस दिन खाना शुरू कर दोगे, उस दिन देखना आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। पिता को प्रसन्न करना, बोलो पिता को प्रसन्न करना। जब हम पिता को प्रसन्न करेंगे, तभी हमारे जीवन में वो आशीषों को हम देख नहीं पाएंगे जो परमेश्वर में देना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मैं आज अपने आप को तेरे हाथों में दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तेरा जीवन मेरे अंदर हो, तेरा वो जीवन हो कि आज से मेरे जीवन से कोई भी ठोकर न खाए, एक भी ठोकर न खाए। बाइबल बताती है, अगर एक को, किसी छोटे से छोटे को क्या करेगा, जोर से बोलो क्या करेगा, छोटे से छोटे को क्या करेगा, ठोकर खिलाएगा। तो एक को छोटे से छोटे को क्या करेगा, ठोकर खिलाएगा, तो उसके गले में चक्की का पार्ट डाल के क्या करेगा? पता है क्यों? जैसे इधर आओ, अब यहां पर ये सबसे छोटा कलीसिया में सबसे गरीब है, बहुत अमीर है यीशु के नाम में। अमीन। कपड़ा गंदे हैं। अगर ये भाई को प्रभु यीशु मसीह यहां लेकर आया है, किसी को नहीं पता है कि इसके जीवन में परमेश्वर क्या डाल दे, क्या कर दे, इसको हीरा बना दे, क्या बना दे, दुनिया देखने के लिए आए, तरसे दुनिया देखने के लिए ऐसा बना सकता। आमीन। पर अगर ये छोटे से छोटा है, तो बाइबल बताती है कि क्या करना है, पता है, स्वर्गदूत पिता के सामने क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं कि अगर इसके बारे में कोई भला बुरा बोले तो ये पिता क्या करे, आज्ञा दे कि जल्दी से जाओ और स्वर्गदूत जाकर उसे क्या करे, दंड दे। पढ़ा कि नहीं किसने? पिता के सामने स्वर्गदूत क्या करते हैं, किस लिए खड़े रहते हैं? जो कलीसिया में आप बैठे हो ना, आपके बारे में कोई उंगली उठाता है ना, आपके बारे में कोई भलाई बुराई बोलता है ना, आपके बारे में कोई चुंगली करता है ना, स्वर्गदूत वहां देखते रहे, पिता मुझे आज्ञा दे, तेरे बच्चों के बारे में बोला बुरा बोला जा रहा है। आपके विरोध में परमेश्वर सुन नहीं सकता है, आपके बारे में कोई चुंगली करे परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं। बाइल बताती है, तुम मेरे दृष्टि में क्या हो, बहुमूल हो, अनमोल हो। आमीन। परमेश्वर की पुतली के जैसे, पुतली में आपके आंख में कचरा जाता है ना, धूल मिट्टी क्या करते हो, तुरंत बंद कर देते हो ना, ऐसे ही परमेश्वर क्या करता है,
आपके पुतली के समान क्या करता है, प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप प्यार करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज आपके हृदय में जो सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति लगता है, सबसे ज्यादा घिनौना उसका जीवन है, सबसे ज्यादा आपको दुख दिया, सबसे ज्यादा आपको पीड़ा दिया है, उसको गले लगा के माफ कर। हालेलुया। मैं वहां जो उनको क्या नाम है, मैं वहां पर था, लखनऊ में मीटिंग चल रही थी, पाप की क्षमा के बारे में प्रचार हुआ और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, मैं रोने लगा। पवित्र आत्मा ने आवाज दिया कि जिसे तुम माफ नहीं कर पाता ना, उसके पास जा। मैं देखा वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे बहुत दुख दिए थे, मैं गया उनको अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगाया, उनके माथों को चूमा, उनके सर पे हाथ डाला, हम दोनों पकड़ के बहुत रोए। पता क्या हुआ, हम लोग रो ही रहे थे, हम लोग हमारे आंसू बह रहे थे, शैतान पता क्या कर रहा था, शैतान अपने बाल नोच रहा था, चिल्ला रहा था, ये क्या हो गया, मैं तो गड़बड़ी डाला था, ये प्यार कहां से आ गया। और हम लोग इतना अभिषेक में भर गए, हम लोग झूमने लगे परमेश्वर के अभिषेक से। ऐसा हमारा जो प्रेम जो है ना, हमारा हमारे जीवन को पूरी रीति से क्या करता है, बदल देता है। आमीन। आपका जो प्रेम है, आपका जो चुम्बन है, लोगों के जीवन को बदल देगा, लोगों के जीवन को पूरा बदल देगा। आमीन। आप लोगों के जीवन को बदलेगा, आपका प्रेम लोगों को बदल देगा। कितने भी आपके लोग विरोधी हैं, कितने भी, सिर्फ अपना प्रेम उनके ऊपर प्रकट करना। बोलो हम प्रेम प्रकट करेंगे। आमीन। प्रेम प्रकट करेंगे। हालेलुया। सब कुछ बदलेगा। पिता ने क्या किया था बेटे के लिए, पिता क्या किया, दौड़कर पिता, स्वयं पिता दौड़कर गया, अपने बेटे को क्या किया, बहुत चूमा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चूमा। और वो जो थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ भी था, तो आंसुओं के साथ क्या, वो बह गया। और वो अपने पिता का एक आवाज सुनकर क्या कर रहा था, सारा काम करना शुरू कर दिया होगा। पहले अपने पिता अगर कुछ बोलता होगा तो क्या करता होगा, मुंह दूसरी तरफ करके, पिता इधर खड़ा है इधर मुंह करके चला जाता होगा। पर जब लौट कर आया, जब पिता एक आवाज देता होगा, तो भाग कर सामने आता होगा, बोलिए पापा क्या काम है। ऐसा क्या होगा कि नहीं, बोलो आपका प्यार आपके बच्चों को बदल देगा, आपका प्यार आपके परिवार को बदल देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैंने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में देखा है, बहुत से लोगों के, बहुत से लोग मेरे जीवन से नफरत किए, पर आए मौके पे परमेश्वर ने उनके लिए हमें खड़ा किया। और जब हम उनके लिए खड़ा हुए ना, तो पता क्या है, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा है, उनको महसूस हुआ कि मैंने इनसे नफरत किया, पर इन्होंने प्रेम को दिखाया है मेरे लिए, प्रेम किया है। मैंने बहुत से ऐसे भाइयों को, बहनों को, परिवारों में मैंने देखा अपने, ये प्रेम। हो सकता है कि लोग आपसे दूर चले जाएं, भाग जाएं आपको छोड़कर, आपका घर, आपका भाई, आपका पत्नी, पर वो रह नहीं पाएंगे। पता क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम है, वो प्रेम उनको क्या करेगा, खींच लेगा और उनको तोड़ेगा दिन पर दिन। हेलो भैया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कौन कौन है आपके जीवन में ऐसा कोई है, यीशु से क्षमा कर दिया, यीशु से बोलो क्षमा कर दिया, कोई है आपके जीवन में जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई है ऐसा जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे, जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे, जिसे आप माफ नहीं कर पा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। प्रभु वो लोगों ने पत्थर लेके खड़े थे, कोई क्षमा नहीं करने वाला था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अच्छा, जो लोग पत्थर लेकर वापसी चले गए होंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको स्वर्ग जाने देगा? बहुत खतरनाक सवाल है ना। जो लोग पत्थर लेकर उस व्यभिचारी स्त्री को मारना चाहते थे, और प्रभु यीशु मसीह बोला कि जो धर्मी है वही पहला पत्थर मारे, पर बाइबल बताती है कि कोई पत्थर नहीं मारा, यीशु मसीह नाम लिखने लगा, जो वो लोग पत्थर छोड़कर क्या किए, घर चले गए, यीशु मसीह उनसे आज बात कर रहा है।
कि तुम आज वो नफरत को छोड़कर, पत्थर को छोड़कर अपने एक उस बहन से गले लग जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उन्हीं पत्थर जो लोग छोड़कर पत्थर भाग गए थे, उन्हीं से यीशु मसीह आज कह रहा है तुम माफ कर दो उसको, माफ कर दो, आज अभिषेक को पाओगे, दिल साफ कर दो, आज भर जाओगे, अपने अंदर से कड़वाहट निकाल कर फेंक दो, खुदा के प्यार से भर जाओ, उसकी आशीष को बहते हुए देखो, उसकी सामर्थ को अपने जीवन से उभरते हुए देखो। आमीन। वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। एक बार बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति आया भागता हुआ परमेश्वर के वेदी पे कुछ भेंट देने के लिए। प्रभु ने बोला स्वरूप ये भेंट जमीन के वेदी के बाहर रख, सबसे पहले जा अपने भाई को माफ कर, तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। अगर आज अगर आप माफ करते हो, मैं आपको बताऊं आपकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। सो कुछ आप बोलने जा रहे हो वो सुनी जाएगी, जो कुछ मांगने जा रहे हो सुनी जाएगी। बोलो अब अपने पड़ोसी को और देखो, बोलो इतना छोटा से काम कर, छोटा से काम कर, जो दोस्ती गड़बड़ हो गई थी, जो रिश्ते खराब हो चुके थे, सिर्फ उसको सही करना है, स्वर्ग से आशीष आ जाएगी। आज आपके अनेक पाप धुल जाएंगे, आज आप फ्री होके जाओगे। आमीन। क्या तैयार है करने के लिए? धन्यवाद जीसस, प्रभु यीशु मसीह, आप दया कर, हमें वो खूबी नहीं है बेटा, हमें वो काबिलियत नहीं है, तरस भरे हृदय हमें दे, प्यार भरा हृदय हमें दे, या मैं उन्हें माफ कर सकूं, मैं उन्हें माफ कर सकूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं अपने जीवन को सही करना चाहता हूं। कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको रोक सके। मेरे प्रिय, एक जगह नहीं, बाइबल कई जगह बताती है, जो लोग पत्थर छोड़ के गए थे, मेरा कहना यही है कि वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक ही चीज बोला होगा कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सिर्फ इस स्त्री को आकर चूम लो, इस स्त्री को गले लगा लो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। बाइबल बताती है मत्ती में, पढ़ो वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के पाप को क्षमा करोगे, परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करते हैं। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? Yes. क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? Yes. क्या आप सफलता चाहते हैं? Yes. लोगों को माफ करो, प्रार्थना करो, कौन है जो आपके दिल को दुखाया है? मैं आपको बताऊं, उससे कई ज्यादा आप अपने आप को फ्री करोगे। अगर दुनिया की आशीष को प्राप्त करना है मेरे प्रिय, तो आज माफ करो। Yes.